Okay, so good morning students. Today we are going to revise the concepts of cost. ठीक है, सबसे पहले cost क्या होती है? Cost is the expenditure incurred on the use of factor inputs on the use of inputs by the producer, both factor inputs as well as non-factor inputs. Factor inputs जैसे कि land, machinery, इसके ऊपर जो खर्चा होता है. Non-factor inputs जैसे कि wages, raw material का bill. ठीक है, तो इन सब के ऊपर जो एक producer का खर्चा होता है goods की production के लिए, उसको cost कहा जाता है. Economics में हम दो तरह की costs identify करते हैं. One is explicit cost and another is implicit cost. So total cost is a sum total of explicit cost and implicit cost. Now what is explicit cost? Bete, explicit cost is the cost paid to the outsiders. जब हम किसी आउटसाइडर से कोई भी चीज खरीदते हैं, हायर पे लेते हैं, हायर करते हैं, उसके लिए जो हम खर्चा करते हैं उसको हम कहते हैं एक्सप्लिसिट कॉस्ट. ठीक है, सो एक्सप्लिसिट कॉस्ट लाइक वेजेस पेड टू द लेबरर, रेंट पेड टू द लैंडलॉर्ड, इंटरेस्ट पेड फॉर द कैपिटल, ऑल दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ एक्सप्लिसिट कॉस्ट्स. इनको हम पेड आउट कॉस्ट भी कहते हैं, एक्सपेंडिचर कॉस्ट भी कहते हैं. ये हमारी पॉकेट में से पैसे निकलते हैं और हम इसको किसी भी थर्ड पर्सन को देते हैं. सो क्लियर कट हमें दिख रहा है ये कॉस्ट इनकर हो रही है, सो इट इज एन एक्सप्लिसिट कॉस्ट. बट देन देयर इज अनदर टाइप ऑफ कॉस्ट ऑल्सो विच इज आइडेंटिफाइड इन इकोनॉमिक्स विच इज इम्प्लिसिट कॉस्ट. So sometimes what happens, the producers make use of their own factors of production. ठीक है, for example आपको land hire नहीं करना पड़ा, आपके पास अपना land था, आपने उस land को ऊपर खेती बाड़ी करनी शुरू की या उसके ऊपर आपने shop खोली. Now you do not have to pay the rent to the outsiders, but आपने land तो use किया ना. ठीक है, you are making use of land, aren't you? So that is a cost which even if you're not paying to the outsider, but you are making use of your own factor of production. तो ये खर्चा तो है ना, ये cost का एक component तो है ना. चाहे आप किसी को pay out नहीं कर रहे हो, चाहे आप अपना factor of production खुद ही use कर रहे हो, लेकिन while estimating cost of production, ये एक खर्चा तो बनता है ना. But because it is not paid to the outsiders, so it is termed as implicit cost. So how do we define implicit cost? Implicit cost is basically the cost of self-owned, ठीक है, self-employed factors of production. जैसे आपका land आपका अपना है, उसके ऊपर जो रेंट बनता है. देखो, अब आप बोलो मैम रेंट कैसे पता चलेगा, हम तो अपना लैंड खुद यूज कर रहे हैं. तो उस केस में व्हेन यू आर मेकिंग यूज ऑफ योर ओन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, यू कैलकुलेट द एस्टिमेटेड कॉस्ट. जैसे रेंट है तो आप एक उसकी एक एस्टिमेटेड वैल्यू के आपके साथ वाला जो लैंड पड़ा है वो अगर आप लेते हो रेंट पे, तो आपको कितना रेंट देना पड़ेगा. ठीक है, एक इम्प्यूटेड वैल्यू इसको बोलते हैं, एस्टिमेटेड और इम्प्यूटेड कॉस्ट आप फाइंड आउट एस्टिमेट कर लेते हो. सो इम्प्लिसिट कॉस्ट इज द कॉस्ट ऑफ सेल्फ ओन्ड और सेल्फ इम्प्लॉयड रिसोर्सेज, सेल्फ इम्प्लॉयड फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन. लाइक यू आर प्रोवाइडिंग योर ओन सर्विसेज टू योर बिजनेस. आपने मैनेजर हायर नहीं किया, आप खुद मैनेज कर रहे हो अपने बिजनेस को. अगर आप मैनेजर हायर करते तो आप उसको वेजेस देते ना, वो आपके कॉस्ट का कंपोनेंट बनती. लेकिन अभी आप क्या कर रहे हो, यू आर मेकिंग यूज ऑफ योर ओन सर्विसेज. सो दिस इज अगेन एन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, यू नो, कि आप भी कहीं और काम करते तो आपको कुछ और मिलता ना. आपको 10,000 रुपए महीने के मिलते, लेकिन आप अपने काम में काम कर रहे हो तो आपने कितने की अपॉर्चुनिटी फॉरगो की.
अगर आप किसी और जगह काम करते 10,000 की, वो 10,000 की जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है दैट इज इम्प्लिसिट कॉस्ट. ठीक है, सो इम्प्लिसिट कॉस्ट इज द कॉस्ट ऑफ सेल्फ ओन्ड और सेल्फ एम्प्लॉयड फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन. ठीक है, ये नॉन एक्सपेंडिचर कॉस्ट मानी जाती है क्योंकि ये आपका एक्चुअल में एक्सपेंडिचर नहीं कराती है, ये सिर्फ एस्टिमेटेड होती है, बुक्स ऑफ अकाउंट्स में आती है, अदरवाइज दिस टाइप ऑफ कॉस्ट इज नॉट इनकर्ड. ठीक है, इसको स्पेंड नहीं किया जाता, सो दिस इज कॉल्ड एज नॉन एक्सपेंडिचर कॉस्ट. सो व्हाइल एस्टिमेटिंग कॉस्ट, बोथ टाइप्स ऑफ कॉस्ट आर एस्टिमेटेड, एक्सप्लिसिट एंड इम्प्लिसिट. क्लियर है, दोनों में डिफरेंस क्लियर है? नाउ कॉस्ट के कॉन्सेप्ट हम दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, शॉर्ट रन कॉस्ट, लॉन्ग रन कॉस्ट. सो लॉन्ग रन कॉस्ट इज नॉट इन अवर सिलेबस, सो लेट अस कम विद द शॉर्ट रन कॉन्सेप्ट ऑफ कॉस्ट. बेटे देयर आर थ्री कॉन्सेप्ट ऑफ कॉस्ट, टोटल कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट एंड मार्जिनल कॉस्ट. टोटल कॉस्ट is a sum total of fixed cost and variable cost. What is a fixed cost? क्योंकि हम short run की बात कर रहे हैं, short run में कुछ factors fixed होते हैं और कुछ factors variable होते हैं. तो simple सी बात है, fixed factors of production के ऊपर जो खर्चा होता है वो fixed cost है, variable factors के ऊपर जो खर्चा किया जाता है वो variable cost है. ठीक है, cost incurred on the purchase or hiring of fixed factors of production is called as fixed cost. Getting my point? What is fixed cost? It is the cost incurred on the purchase or hiring of fixed factors of production. Fixed factors of production ko jab hum khareedte hain या हायर करते हैं उसके ऊपर जो खर्चा होता है उसको हम फिक्स्ड कॉस्ट कहते हैं. नाउ दिस कॉस्ट रिमेन्स फिक्स्ड, इट डज नॉट चेंज विद चेंज इन द लेवल ऑफ आउटपुट. ठीक है, ये नहीं कहना दिस कॉस्ट डज नॉट चेंज, जब व्हेन यू से दिस कॉस्ट डज नॉट चेंज, तो आप सुनने वाला इससे बहुत सारी चीजें निकाल सकता है, इंटरप्रेट कर सकता है बहुत तरीकों से. वो कहेगा अच्छा 2014 में रेंट 2010 था, 2014 में रेंट जो है वो 10,000 था, 2016 में भी इतना ही रहेगा, 2020 में भी इतना ही रहेगा. ठीक है, इट डज नॉट चेंज, नॉट विद चेंज इन टाइम, ये नहीं मैं कह रही हूँ, मैं कह रही हूँ इट डज नॉट चेंज विद द चेंज इन द लेवल ऑफ आउटपुट. कॉस्ट है ना, अगर हम ऐसे सोचे तो किसी भी चीज की कॉस्ट किसके ऊपर डिपेंड करती है, आउटपुट के ऊपर. आप ज्यादा प्रोड्यूस करोगे कॉस्ट ज्यादा आएगी, कम प्रोड्यूस करोगे कम आएगी कॉस्ट. लेकिन हम कॉस्ट को दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, फिक्स्ड कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट. अब जो फिक्स्ड कॉस्ट है वो आउटपुट के साथ चेंज नहीं होती, आउटपुट जितना मर्जी प्रोड्यूस करो, जीरो प्रोड्यूस करो, 10 प्रोड्यूस करो, 1000 प्रोड्यूस करो, जितना मर्जी आउटपुट प्रोड्यूस करो, ये जो कॉस्ट है ये सेम रहती है, कांस्टेंट रहती है, ये आउटपुट के चेंज होने से चेंज नहीं होती है. क्लियर, कैन यू गिव मी एनी वन एग्जांपल, ऐसी कौन सी कॉस्ट है या फिक्स्ड कॉस्ट की एक एग्जांपल दो मुझे. आप प्रोड्यूसर हो, आपका ऐसा कौन सा खर्चा है जो सेम रहेगा, लेवल ऑफ आउटपुट के चेंज होने से चेंज नहीं होगा. We are revising bete, so you should be aware of the examples. Megha, Arzu, Kunal, give an example of fixed cost. All right. Yes, Megha, rent. ठीक है, तो अगर आपने एक लैंड premises लिया है जिसके ऊपर आप आउटपुट प्रोड्यूस करते हो, उसका रेंट जो है 10,000 रुपए है, तो क्या हुआ फर्स्ट मंथ आपने
अभी आप फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को ऑर्गेनाइज कर रहे थे, लेबर इकट्ठी कर रहे हो, रॉ मटेरियल ला रहे हो, तो फर्स्ट मंथ आपसे कोई भी प्रोडक्शन नहीं हो पाई, तो क्या आप कम रेंट, जीरो रेंट दोगे? आपने वो लैंड ले लिया है, आपने कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दिया है, तो उस कॉन्ट्रैक्ट में यही लिखा हुआ है कि आपने हर महीने 10,000 रुपए देना है, ऐसा कुछ नहीं लिखा कि आउटपुट नहीं हुई तो आप मत देना, ठीक है? तो आपको 10,000 रेंट देना पड़ेगा। फिर अगले महीने आपने 100 यूनिट्स प्रोड्यूस किए, क्योंकि अब आप नया नया आपने काम शुरू किया है तो आपको डिमांड नहीं पता अपने प्रोडक्ट की, तो 100 यूनिट्स आपने प्रोड्यूस किए और आपने रेंट पे किया 10,000, आपका काम काफी अच्छा चल पड़ा। अगले साल आपने, अगले महीने आपने 1,000 यूनिट्स प्रोड्यूस किए, अगेन रेंट कितना देना पड़ा? 10,000। फिर लॉकडाउन लग गया, प्रोडक्शन बंद हो गई, लेकिन फिर भी आपको रेंट कितना देना पड़ा? 10,000, ठीक है? सो फिक्स्ड कॉस्ट, हाउ डू वी डिफाइन फिक्स्ड कॉस्ट? कॉस्ट विच इज इनकर्ड ऑन दी फिक्स्ड फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, इट डज नॉट चेंज विद द चेंज इन द लेवल ऑफ आउटपुट, इट रिमेन्स द same irrespective of the changes in the level of output. So another thing, even at zero level of output, fixed cost is incurred. Okay, so if we see the shape of fixed cost curve, क्योंकि fixed cost का curve बनाना है, जौन सा हमें curve बनाना होता है उसको हम y-axis पर लेते हैं और इधर जिसके ऊपर वो डिपेंड करता है उसको हम एक्स एक्सिस पर लेते हैं। सो दिस इज फिक्स्ड कॉस्ट कर्व, इट रिमेन्स द सेम इरिस्पेक्टिव ऑफ द चेंजेस इन द लेवल ऑफ आउटपुट, हॉरिजॉन्टल है, क्लियर है? अब हम वेरिएबल कॉस्ट की बात करते हैं बेटे। तो वेरिएबल कॉस्ट क्या होती है? वेरिएबल कॉस्ट इज द कॉस्ट विच इज इनकर्ड on the use of variable factors of production. Bahut hi simple, variable cost, cost of variable factor, theek hai? Now it varies as the level of output varies. Variable cost hai na, to ye vary karegi, jaise jaise hum output badhayenge variable cost badhegi, jaise jaise hum output kam karenge variable cost kam hogi, aur agar hum output band kar denge, जीरो आउटपुट प्रोड्यूस करेंगे तो वेरिएबल कॉस्ट भी जीरो हो जाएगी। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी, अभी हमने काम शुरू नहीं किया, फर्स्ट मंथ है हमारा, ठीक है? तो हम ऑब्वियसली हमने अभी लैंड ले लिया रेंट पे, लेकिन अभी हमने लेबर के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया कि भी आप अगले महीने से हमारे साथ आके काम करोगे, तो उसकी वेजेस हमें अगले महीने देनी पड़ेंगी, इस महीने नहीं। इस बार हमने जीरो आउटपुट प्रोड्यूस करी है तो हमें वेजेस भी जीरो देनी पड़ेगी। नेक्स्ट मंथ हमने आउटपुट बढ़ानी शुरू की तो ज्यादा लेबर हमने हायर की, ज्यादा वेजेस देनी पड़ेंगी, ठीक है? अगर लॉकडाउन लग गया तो आपको 10,000 रेंट तो देना पड़ेगा, लेकिन क्योंकि आपने जितनी लेबर थी उसको अगर काम से निकाल दिया है, रॉ मटेरियल लेना बंद कर दिया है, तो आपकी जो वेरिएबल कॉस्ट है वो भी जीरो हो जाएगी, उसको आपको इनकर नहीं करना पड़ेगा। बेसिकली प्रोडक्शन बंद होने पे जो कॉस्ट इनकर करनी पड़ रही है वो फिक्स्ड कॉस्ट है, ठीक है? और जो जिसके ऊपर आप कंट्रोल कर सकते हो वो वेरिएबल कॉस्ट है। सो वेरिएबल कॉस्ट पता चल गई बेटे, कॉस्ट इनकर ऑन दी वेरिएबल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, इट चेंजेस एज द लेवल ऑफ आउटपुट changes, it is zero at zero level of output, ठीक है? तो यहां पर अगर मैं zero level of output पर variable cost लिखूं तो it would be zero, okay? One unit produce किया, suppose करो हमारी variable cost आई 10, तो 2 पे कितनी आएगी? Normally आपके मुंह से ये निकलेगा 20, 3 पे कितनी आएगी? 30, लेकिन ऐसा नहीं होता बेटे। देखो, सपोजिंग आपके घर में एक फैमिली मेंबर है और आपका घर का खर्चा 10,000 रुपए महीने का है, ठीक है? अब अगर दो फैमिली मेंबर हो गए तो क्या आपका खर्चा 20,000 हो जाएगा, या तीन फैमिली मेंबर आ गए तो 30,000 हो जाएगा? ऐसा नहीं ना होगा। सपोज करो आपके घर में एक एसी चलता था जब एक पर्सन था, अब दो पर्सन आ गए तो भी एक ही एसी चल रहा है,
उसी रूम में आप इकट्ठे, इफ यू आर स्लीपिंग इन द सेम रूम, यू आर लिविंग इन द सेम रूम, तो आपका बिजली का बिल तो नहीं ना बढ़ रहा, आपका किसका खर्चा बढ़ा, आपका खाने पीने का खर्चा बढ़ा। ठीक है, मतलब ये नहीं है कि दो जनों से आपका खर्चा डबल हो जाएगा, खर्चा बढ़ेगा जरूर, बट इट विल नॉट इंक्रीज यू नो इन द सेम प्रपोर्शन, कॉन्स्टेंट प्रमोशन प्रपोर्शन पे नहीं बढ़ेगा। सो ऐसा ही प्रोडक्शन में होता है, कॉस्ट इंक्रीजेस बट एट डिमिनिशिंग रेट। क्लियर? सो अगर 1 यूनिट प्रोड्यूस किया 10 रुपीज खर्चा आ रहा है, 2 पे आपका आएगा 18, बढ़ रही है कॉस्ट, लेकिन पहले 10 रुपए बढ़ी थी, अब 8 बढ़ी है। ठीक है, आपने इसको लर्न नहीं करना, आपने इसको डिमिनिशिंग रेट में ऐड करते रहना है। आपने 10 ऐड किया 0 में, फिर 8 ऐड किया, फिर कितना ऐड करोगे, 6 ऐड कर दो। क्लियर? उसके बाद आप 4 ऐड कर दो, फिर 4 ऐड कर दो। अब इस ये डिमिनिशिंग रेट पे बढ़ रहा था यहां तक, उसके बाद इसको आप इंक्रीजिंग रेट पे बढ़ाना शुरू कर दो, फिर 6 इंक्रीज कर दो, फिर 8 इंक्रीज कर दो, फिर 10 इंक्रीज कर दो, चाहो फिर आगे करना 12 इंक्रीज कर दो। पहले आपने इसको डिमिनिशिंग रेट पे बढ़ाना है, फिर आपने इसको इंक्रीजिंग रेट पे बढ़ाना है। क्लियर? यू डोंट हैव टू मेमोराइज द डेटा, यू जस्ट हैव टू मेमोराइज कि आपको पहले 10, 0 के बाद 10 आया, उसमें 8 ऐड किया, 6 ऐड किया, 4 ऐड किया, फिर 4 ऐड किया, फिर 6 ऐड कर दो, फिर 8 ऐड कर दो। ठीक है, मतलब पहले डिमिनिशिंग रेट पे और फिर इंक्रीजिंग रेट पे। ठीक है, सो सी द बिहेवियर ऑफ वेरिएबल कॉस्ट। अ वेरिएबल कॉस्ट इट इंक्रीजेस वेरीज विद द चेंज इन द लेवल ऑफ आउटपुट, it increases as the level of output increases and decreases as the level of output decreases, it is zero at zero level of output, but it does not increase at the constant rate, at first it increases at diminishing rate, then it starts increasing at increasing rate. Clear? पहले जैसे मैंने आपको बताया, आप एक घर में एक जना रह रहा था तो 10,000 खर्चा था, दो जने आए तो 18,000 खर्चा आया, 3,000 आए तो 24,000 खर्चा आया, चार जने आए तो 28,000 खर्चा आया, पांच आए तो फिर 32,000 खर्चा आया, अब छठा पर्सन आया, अब आपको नया एसी लगाना पड़ेगा, अब इससे ज्यादा लोग एक रूम में अकोमोडेट नहीं हो सकते, या इससे ज्यादा लोग एक मशीन के ऊपर काम नहीं कर सकते, तो आपको नई मशीन लगानी पड़ेगी, उसका खर्चा आपका रनिंग का बढ़ना शुरू हो जाएगा। ठीक है, सो नाउ द एक्सपेंडिचर इंक्रीजेस एट इंक्रीजिंग रेट। ठीक है, फिर वो 7 आया तो आपको और उसको फैसिलिटीज देने के लिए अगेन यू हैव टू से स्पेंड मोर। ठीक है, सो इस तरह से पहले कॉस्ट डिमिनिशिंग रेट पे बढ़ती है, फिर वो इंक्रीजिंग रेट पर बढ़ती है। So what will be the shape of variable cost curve? पहली बात बेटे, शेप जो है ना, आप हमेशा एनालाइज किया करो, सब बढ़ आउटपुट के बढ़ने से वेरिएबल कॉस्ट बढ़ रही है, इसका मतलब ये अपवर्ड स्लोपिंग कर्व होगी। सबसे पहले हमें स्लोप देखनी होती है, अपवर्ड है के डाउनवर्ड है, तो अगर ये वैल्यूज बढ़ रही है, अपवर्ड स्लोप है। ठीक, दूसरा हमें देखना होता है ये कर्व स्टार्ट कहां से होगा, तो अगर जीरो लेवल ऑफ आउटपुट पर ये जीरो है तो इसका मतलब ये ओरिजिन से स्टार्ट होगा। पता चल गया, दो बातें पता चल गई, अपवर्ड स्लोपिंग है, ओरिजिन से स्टार्ट होगा। तीसरा, इसकी शेप कैसी रहेगी। अपवर्ड स्लोपिंग है तो माइंड में आ गया होगा, अच्छा चलो ये बना दिया कॉन्स्टेंट। नहीं बेटे, आपको देखना पड़ेगा कॉस्ट किस रेट पे बढ़ रही है। अगर कोई भी वेरिएबल है, जरूरी नहीं कॉस्ट, एनी वेरिएबल, if it increases at diminishing rate, the shape is concave. If it increases at increasing rate, the shape is convex. कल हमने क्या किया था, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन में टोटल प्रोडक्ट की शेप ये आई थी, जिसमें यहां तक ये कॉन्वेक्स था, क्योंकि टोटल प्रोडक्ट पहले
इंक्रीजिंग रेट पे बढ़ती थी, इजंट इट? तो मैंने भी यही बताया, जब इंक्रीजिंग रेट पे बढ़ता है तो कॉन्वेक्स होता है कर्व। उसके बाद टोटल प्रोडक्ट डिमिनिशिंग रेट पे बढ़ना शुरू हुआ तो ऐसी होगी हमारी शेप, कंकेव। अब ये कॉस्ट और प्रोडक्ट जो है इनमें सीसॉ का रिलेशन है, मतलब जब तक प्रोडक्शन इंक्रीजिंग रेट पे बढ़ेगी कॉस्ट डिमिनिशिंग रेट पे बढ़ेगी। सीसॉ ऐसे होता है ना बेटे, अगर एक नीचे है तो दूसरा ऊपर है, सीसॉ ये जो झूला होता है। तो ये क्या है, इफ दिस इज कॉस्ट दिस इज रिटर्न, अगर रिटर्न्स यहां आ गई तो कॉस्ट यहां आ जाएगा, ये रिलेशन है, ऐसे चलते हैं। तो देखो टोटल प्रोडक्ट पहले किस रेट पे बढ़ता था, इंक्रीजिंग पे, तो कॉस्ट किस रेट पे बढ़ेगी, डिमिनिशिंग पे, सो इट विल बी कॉन्वेक्स, सॉरी कंकेव, वो कॉन्वेक्स था तो ये कंकेव। उसके बाद टोटल प्रोडक्ट किस रेट पे बढ़ा, डिमिनिशिंग पे, तो डिमिनिशिंग पे बढ़ा तो कॉस्ट किस रेट पे बढ़ेगी, इंक्रीजिंग पे, यानी इट विल बी कॉन्वेक्स। ये हमारा वेरिएबल कॉस्ट कर्व स्टार्ट्स फ्रॉम द ओरिजिन, एट फर्स्ट इट इंक्रीजिंग इंक्रीजेस एट डिमिनिशिंग रेट, देन इट स्टार्ट्स इंक्रीजिंग एट इंक्रीजिंग रेट। एट फर्स्ट इट इज कंकेव, इंप्लाइंग वेरिएबल कॉस्ट इंक्रीजेस एट diminishing rate, thereafter it becomes convex, implying that variable cost increases at increasing rate. ठीक है, सो बेटे मैं सेम डायग्राम के ऊपर, सेम ग्राफ के ऊपर ये तीनों कर्व्स बना रही हूं। वन इज अ फिक्स्ड कॉस्ट कर्व, फिक्स्ड कॉस्ट कर्व हमेशा ओरिजिन के ऊपर से स्टार्ट होता है, आप साथ साथ बनाएंगे तो समझ में आएगा बेटे। This is a fixed cost curve, starts from above the origin and is a horizontal curve, straight line parallel to y-axis. Then fixed cost plus variable cost will be the total cost. So aap jo total cost variable cost curve hai usse parallel ek curve banayenge jo ki fixed cost se hi shuru rahega. ठीक, और ये जो डिफरेंस रहेगा इनमें दैट विल बी अ फिक्स्ड, दैट विल बी दैट ऑफ अ फिक्स्ड कॉस्ट, ये और ये डिफरेंस सेम रहेगा। ठीक है बच्चे, दिस इज फिक्स्ड कॉस्ट, दिस इज ऑल्सो फिक्स्ड कॉस्ट, क्यों, क्योंकि हमने वेरिएबल कॉस्ट में फिक्स्ड कॉस्ट ऐड की तो ही तो टोटल कॉस्ट बना। Total cost is a sum total of fixed cost and variable cost. यहां पर देख लो, ठीक है, क्या बच्चे, सो ये कर्व्स आप ड्रॉ कर लीजिए। दिस वॉज अबाउट टोटल कॉस्ट विच इज अ सम टोटल ऑफ फिक्स्ड कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है, नाउ कमिंग टू द सेकेंड कॉन्सेप्ट ऑफ एवरेज कॉस्ट। व्हाट इज एवरेज कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट इज कॉस्ट पर यूनिट ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस्ड, तो इट इज कैलकुलेटेड एज टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय आउटपुट। ठीक है, हमने प्रोडक्शन की, प्रोडक्शन तो अब नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स 1000 यूनिट्स की 2000 की 5000 की। मैं आपसे पूछूं बेटे कितना खर्चा आ गया बनाने में, आपने कहा मैम 5000 पेन बनाए थे, 10000 पे खर्चा आ गया, आई वोंट हैव अ फेयर आइडिया कि पेन कितने का बिकेगा। ये देखने के लिए पेन कितने का बिकेगा या मेरे को और कोई पैरामीटर्स देखने हैं, सो आई विल बी आस्किंग यू व्हाट इज द एवरेज कॉस्ट, यानी ऑन एन एवरेज एक पेन कितने का बना। तो आप क्या करोगे, आपने देखा जितना आपका खर्चा हुआ उसको आपने कितने पेन्स प्रोड्यूस किए उससे डिवाइड कर दिया, आपके पास आ गई एवरेज कॉस्ट। सो व्हाट इज एवरेज कॉस्ट, कॉस्ट पर यूनिट ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस्ड। ठीक है,
So total cost being sum total of fixed cost and variable cost, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, एवरेज कॉस्ट इज इक्वल टू फिक्स्ड कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट डिवाइडेड बाय आउटपुट. सो एवरेज कॉस्ट इज इक्वल टू फिक्स्ड कॉस्ट ओवर आउटपुट, स्प्लिट कर सकते हैं ना इसको, प्लस वेरिएबल कॉस्ट ओवर आउटपुट. सो एवरेज कॉस्ट कैन ऑल्सो बी कैलकुलेटेड एज फिक्स्ड कॉस्ट ओवर आउटपुट, मीन्स एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट. Variable cost over output means average variable cost. So average cost is a sum total of average fixed cost and average variable cost. So in any way you can calculate average cost, total cost over output or average fixed cost plus average variable cost. Okay? So first of all, average fixed cost. Let us study the concept of average fixed cost. Average fixed cost. Fixed cost divided by the level of output. So, ये not defined, 10 divided by 0, 10 divided by 1, 10, 10 divided by 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10 divided by 7, 10 divided by 8, ठीक है. Now when you draw this average fixed cost curve, अगेन मैंने कहा हम बिना स्केल के ही बनाएंगे, तो इसीलिए आपको डेटा को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है. तो आप वैल्यूज देखो इन रिलेशन टू आउटपुट, आउटपुट बढ़ रहा है, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट कम होती जा रही है, ठीक है. सो पहले 10 थी, 10 से सीधा 5, फिर धीरे 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 कम होती जा रही है. सो इट विल बी लाइक दिस, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट 10 से 5, 5 से 3.3, 2.5, स्लोली स्लोली गोज ऑन डिमिनिशिंग, never touches x-axis, it like asymptotic to axis रहेगी, ऐसी shape आएगी, इसको हम कहते हैं rectangular hyperbola, ठीक है, AFC, it goes on diminishing, average fixed cost curve, ठीक है बच्चे, goes on diminishing. बना लीजिए. एवरेज फिक्स्ड रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की एक मैथमेटिकल प्रॉपर्टी है कि इसके नीचे आप जहां से मर्जी कोई भी रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेंगे उसका एरिया जो है वो सेम रहने वाला है. लेट अस से मैंने दो रेक्टेंगल्स ड्रॉ किए, दिस एंड दिस, ठीक है, से दिस इज O A B M, this is O A 1 D 1 M 1. तो rectangle का एरिया क्या होता है, length into breadth, this multiplied by this, ठीक है, और यहां पर this multiplied by this, यानी this area should be equal to this area, ठीक है. अब जब हम length into breadth कर रहे हैं, basically what is breadth O M 1, it is output. And what is OA1 length? This is average fixed cost. So average fixed cost multiplied by output. यहाँ पे देखो, this is average fixed cost. यही होता है ना, average fixed cost is equal to fixed cost over output. तो जब आप average fixed cost को output से multiply कर देते हो, what you get? Fixed cost. So this would be this area, suppose करो ये आया 10, ये भी कितना आएगा 10, क्यों, क्योंकि एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट को जब आप आउटपुट से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो फिक्स्ड कॉस्ट आता है एंड फिक्स्ड कॉस्ट रिमेन्स द सेम, ठीक है. सो दिस इज ऑल अबाउट एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट. टुमारो वी विल बी स्टार्टिंग विद एवरेज
variable costs. So that's all for today. Anyone having any doubts, you can ask.